हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम लाल मिर्ची पाउडर को और भी ज़्यादा स्पाइसी बनाएंगे, और ये बहुत सारी सब्जियों में चलता है। तो जैसे हम ग्रेवी बनाते हैं, बनाकर रखते हैं, वो जो 50, ऐसे आपने यूट्यूब पर भी देखा होगा, जो 50 सब्जियां बना सकते हैं ग्रेवी की से, तो वैसे ही ये मसाला भी हमारा वैसे ही है। तो इससे भी हम बहुत सारी रेसिपी बना सकते हैं। तो हम लाल मिर्च पाउडर में ये मिक्स करेंगे और लाल मिर्च पाउडर को और भी ज़्यादा स्पाइसी बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं बता देती हूँ आपको क्या क्या लिया मैंने। तो मैंने ये काली मिर्च ली है 2 चम्मच, तो चम्मच मेरा ये है। और 3 चम्मच मैंने जीरा लिया है, और 3 चम्मच मैंने कस्तूरी मेथी ली है, और जीरा जितना लिया है उससे डबल मैंने धने लिए है, यानी 3 चम्मच ये लिया है, तो 6 चम्मच मैंने धनिया लिया है साबुत। और फिर हमने 1 कटोरी लाल मिर्च पाउडर लिया है। ये लाल मिर्च पाउडर आपका तीखा भी हो सकता है, अगर आपका तीखा है, आपको तीखा चलता है, तो आपके यहाँ फीका चलता है तो आपका फीका भी हो सकता है। तो ये मिर्ची भी वैसे ही मैंने 25 ली है, तो मैंने लाल मिर्च पाउडर भी लिया है और मिर्ची भी लिया है। मिर्ची इसलिए लिया है क्योंकि मिर्ची हम तेल में भुनेंगे ना, तो इससे अच्छा कलर आता है ग्रेवी पे, तो इसीलिए मैंने मिर्ची ली है। तो 25 मिर्ची ली है, और ये और 4 चम्मच हमने चना दाल ली है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मसाला बनाना। तो हमने कढ़ाई ली है, आप तवे पर भी कर सकते हो, क्योंकि ये हमारे छोटे से ही साहित्य है, इंग्रेडिएंट्स हमारे बहुत कम है, तो हम तवे पर भी कर सकते हैं। मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई को हम गर्म करेंगे और इसमें हम कोई भी तेल डालेंगे, क्योंकि हमें मिर्ची थोड़ी सी रोस्ट करना है तेल में, ऐसे डीप फ्राई नहीं करना है, तो थोड़ा सा तेल लेंगे हम कढ़ाई में। तो गाइस देखा, मैंने बहुत कम तेल लिया है, तेल को थोड़ा गर्म होने देंगे क्योंकि कच्चे तेल में स्मेल आता है बाद में मसालों से। तेल हमारा गर्म हो गया है, हम चना दाल भुनेंगे और सिम पे बहुत कम गैस पे भुनेंगे और इसका कलर चेंज होने तक के भुनेंगे, क्योंकि बिल्कुल सुनहरा, हल्का सुनहरा भुनेंगे। गाइस चना दाल भून गई है हमारी, और जब भी चना दाल भून जाती है तो उसमें से खुशबू आती है, तो चना दाल भून लिया हमने। अभी हम मिर्ची डालेंगे, इसको भूनते भूनते कभी कभी काले से इसमें डॉट भी आते हैं, जैसे हमने रख छोड़ा है इसको, ऐसे रख छोड़ा है तो नीचे से दाग भी आते हैं काले से। देखिए ये मिर्ची को यहाँ से आया है, तो हमें बहुत ज्यादा अल्टी पलट करना पड़ता है जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए अच्छे से। ये देखिए ये मिर्ची यहाँ से काली हो गई, तो ऐसे सभी हो गई तो फिर हम निकालेंगे। यहाँ से भी, यहाँ भी हो गया काला सा ऐसे, तो इनको ऐसे थोड़े थोड़े दाग दिखते हैं तो फिर काले से, तो फिर हम निकाल लेंगे इसको। अभी हम धने भुनेंगे, और बहुत ज्यादा नहीं भुनेंगे, बस हल्का ही,
क्योंकि कढ़ाई हमारी गर्म है और धनिया भून गए तो इसका स्मेल भी आ रहा है, तो हम निकाल लेंगे क्योंकि इनको हमको जलाना नहीं है, हल्का सा ही रोस्ट करना है। अब हम काली मिर्च भूनेंगे। काली मिर्च 10-15 सेकंड भूनने के बाद हम जीरा भी डाल देंगे और गैस को बंद कर देंगे। और कस्तूरी मेथी भी डालेंगे इसके साथ। और ये हमारा भून गया है सभी मसाला, कढ़ाई गरम है तो अभी हम ये भी क्रिस्पी होने के लिए छोड़ देते हैं इसमें। और जब तक कढ़ाई ठंडी होती है तब तक हम इसको रेस्ट करने देते हैं। कढ़ाई ठंडी होने के बाद ये जिनस भी पूरे ठंडे हो जाएंगे, फिर हम इसको मिक्सी में निकालेंगे। और जब तक कढ़ाई गर्म है, क्योंकि हमने तो गैस तो बंद कर दिया है, लेकिन जब तक कढ़ाई गर्म है तब तक बीच बीच में आप इसको उलट पलट करते रहिए। हम इसको मिक्सी के जार में निकाल लेंगे। ये ठंडा हो गया है मिक्सर। मिक्सी के जार में हमने ये ले लिया है और अभी हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। ये मेरा जाड़ा दिख रहा है लाल मिर्च पाउडर, तो ये घर का पिसा हुआ है और मुझे ना ऐसे फ्लेक्स वाला थोड़ा सा अच्छा लगता है, लेकिन अभी हम इसमें डालेंगे तो ये बारीक भी हो जाएगा उसके साथ ही। तो चलिए हम इसको पूरा पीस लेते हैं। और अगर आपको मिर्ची बहुत ज्यादा स्पाइस लगे, बहुत ही ज्यादा स्पाइसी लगे, आपकी सब्जी अगर आपने बना ली और बहुत ही ज्यादा स्पाइसी लगे, तो फिर आप ना लाल मिर्ची पाउडर का क्वांटिटी बढ़ा देना, थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर आधा कटोरी और भी ज्यादा ले लेना। तो अभी हम इसको पीसते हैं। गाइस मैंने मिक्सी में पीस लिया है, तो जैसे मैंने घर में बनाया है मिर्ची पाउडर तो मोटा था, और अभी मैंने ये भी पीस लिया है तो ये थोड़ा दरदरा ही दिख रहा है, तो आप इसको छान भी सकते हो जो बीजे दिखती है तो, और नहीं तो ऐसे भी यूज किया तो भी अच्छा लगता है। तो मैं नहीं छानूंगी। तो मेरा ये मसाला तैयार हो गया है, स्पाइसी लाल मिर्च पाउडर। तो गाइज मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी, तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।